मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। तो गाइस यहाँ पर इजाज खान एलवी शादव को चैलेंज करने के बाद एलवी शादव ने भी इजाज खान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे कि इजाज खान कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाने के बाद खुद को बहुत ही बड़ा गुंडा समझने लग गए थे। एंड उसके बाद इजाज खान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं एलविश और कटारिया को मुंबई लाकर उनसे सॉरी बुलवाऊंगा, या फिर दोनों में से कोई भी मुझे मुंबई में मिला तो मैं उनसे सॉरी बुलवाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा। एंड गाइस इजाज खान की इस वाली वीडियो के ऊपर एलविश यादव का भी एक प्रॉपर रिप्लाई आ चुका है। एंड वहां पर एलविश यादव इजाज खान को रिप्लाई करते हुए क्या कहा अपनी वीडियो के अंदर आप लोग खुद देखिए। मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में, उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे वो आया था शेर, वो वाला वो मैच नहीं करता। ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, ब्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कॉन्टेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बनके रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। इनका कुछ नहीं है, अटेंशन लेनी है, फिर अपने दो चार चेले चपाटों के लिए वोट मांगनी है, इतनी इनकी औकात है। इतने साल से तुम जानते हैं सब तुम्हें कि तुम कुछ हो ही नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से रहना शुरू करो, लोगों को बांटना लोगों को प्रवोक करना छोड़ दो, उस लायक बनो कि तुम्हारे ऊपर कोई रील बनाए, ये हमारी आखिरी है, इसके बाद हम नहीं बनाने वाले कुछ। पैसा लगते हैं भाई रील बनाने के मेरे वाले अकाउंट में डालने, माँ कसम मैं तो ये फ्री फंड में डाल रहा हूँ उसके ऊपर, कितना नाम मिल गया इसे। भाई तुम्हारा करियर है तुम्हें चलाना है, तुम यार मेहनत करो ना भाई, किसी को गाली गलौज करके तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा, ऐसी वीडियो मिल रही है भाई, साबुन मिलेगा, साबुन मिलेगा और वो गिर जाएगा, कितनी बारी जेल में गिरा होगा सबको पता ही होगा, अरमान जैसा कोई पीछा आ जाओ, अब छोड़ो इसे मरन दो भाई, ये लास्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर नहीं आई, इसके बाद कुछ भी हमारी तरफ से खत्म मैसेज कर लेना भाई साहब, आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप, किसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अपने भी नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतने अपडेट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।